नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां इस समय पूर्वी से पूछता हुआ नजर आ रहा है आरवी कि पूर्वी एक बात सच सच बताना, क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है या नहीं? क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल में कुछ फीलिंग होती है और मैं कैसे अपनी फीलिंग को तुमसे शेयर करूँ, क्योंकि ना जाने क्यों मेरा दिल धक धक कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस समय हनीमून के लिए रिजॉर्ट बुक करा लिया है और रिजॉर्ट बुक कराने के बाद में आप लोग जानते ही हैं कि राजवर सीधा सीधा पूर्वी से उसकी राय भी जानना चाहता है, क्योंकि दोस्तों चाहे जितनी नफरत करने की कोशिश कर ले राजवंश, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज राजवंश अपने दिल की सुन रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आरवी की जो गर्लफ्रेंड है वो इस समय बहुत ज़्यादा प्लान कर रही है, लेकिन दोस्तों उसका प्लान बार बार अब फेल होता हुआ ही नज़र आएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नजर आ रही है इस समय पूर्वी आरवी से कि आरवी, हाँ मेरा दिल तुम्हारे लिए को फील करता है, ये तुम्हें शुरू से पसंद भी है और ये चीज़ शुरू से पता भी है तुम्हें। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर कहानी में एक भयंकर वाला ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कहते हैं हर एक चीज़ की कहानी एक अपना एक मतलब छोड़ कर जाती है, और इस समय क्या मतलब है ये आप लोगों के बीच में जल्दी ही दस्तक देगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ पूर्वी का मानना ये है कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ना कभी कोई हार माना है ना कभी कोई हार मानेगा, ये एक रियलिटी है। जी हाँ, ये एक इस बात का सत्य है कि हर एक चीज़ के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई होती है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का एक और भी आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।